Currently, students, we are attending Rotational Motion Lecture Number Three. Students

Yes, sir. सही सर सेकेंड स्टूडेंट्स वी हैव सिग्मा सरफेस डेंसिटी सिग्मा इट विल बी मास पर थर्ड स्टूडेंट्स वी हैव वॉल्यूम डेंसिटी दट इज रो इट विल बी मास पर यूनिट वॉल्यूम सो ये तीन बेसिक फॉर्मले हो गए रिलेटेड टू लीनियर डेंसिटी सरफेस डेंसिटी एंड वॉल्यूम डेंसिटी

आज के लेक्चर में हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं ना डिस्क वाला डेरिवेशन लास्ट टाइम हमने आपको इन्फॉर्म किया था राइट उसमें हम ये स्टेप को यूज करेंगे मेंटली प्रिपेयर रहिए दैट्स व्हाई वी आर रिवाइजिंग इट क्विकली सिग्मा स्टूडेंट्स मास ओवर एरिया सरफेस डेंसिटी सिग्मा मास ओवर एरिया फॉर स्मॉल एलिमेंट मास विल बी dm दैट विल बी सिग्मा टाइम्स ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट da So that will give you nothing but dm is equals to sigma times of dA and sigma will be mass over area. Third, students, rho mass upon volume, rho is volume density. When we solve this, we are getting now dm mass of small element dm will be rho times of volume of small DV. element dv. Perfect, sir. So that will give you students dm.

सोलिड फीयर देन फॉर दैट हमें ऑब्वियसली वॉल्यूम डेंसिटी रो का यूज करना पड़ेगा ओके okay? इसके बाद स्टूडेंट हमने आपको लैमडा कैसे यूज करना है वो ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में बता दिया है द हेडिंग फॉर दैट डेरीवेशन लुक्स लाइक दिस मोमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ रॉड अबाउड वन ऑफ इट्स एंड

नो no, सर आप भूले नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ़ इट्स एंड बच्चों के लिए और भी पॉसिबिलिटी है सेंटर वगैरह भी उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता था वो हम आपको अप्रोप्रियट टाइमिंग आने पे इन्फॉर्म करेंगे वी आर गोइंग टू यूज पैरल एक्सिस थ्योरम एंड हम दूसरे भी प्रूफ करेंगे वो हम आपको बताएंगे ठीक है टूडे सेशन मतलब आज के थर्ड लेक्चर में हमारे पास नया क्या है बच्चों पहले हम एक डेरिवेशन करेंगे फॉर मोमेंट ऑफ एनर्जिया रिलेटेड टू रिंग एंड इसी का हम बेसिक नॉलेज यूज करके एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करेंगे ऑन डिस्क लेट्स डू दैट स्टूडेंट सो आप मेरे साथ हेडिंग डालिए प्लीज बच्चो मोमेंट ऑफ एनर्जिया एम आई Of ring about an axis passing through center and perpendicular to its plane.

बच्चों आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा चाहिए से, सेंट्रल चाहिए सेंट्रल ये लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये सर सेंटर से पास हो रहा है राइट एंड इट इज पोपेंडिकुलर टू प्लेन ऑल्सो चेक कर लीजिए आप लोग यस थैंक यू सर ये लीजिए बच्चों ओके okay. सो so, हाँ हमने ये ड्रॉ कर दिया आपके सामने ए ओ आर दैट इज एक्सेस ऑफ रोटेशन फाइन सो दिस इज अ रिंग बच्चो तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ बीच में तो कुछ है ही नहीं जो भी मास है वो तो सर सिटेडेड है मुझे कहना चाहिए सो so आप एक काम करिए ना स्टूडेंट सबसे पहले सबसे पहले यू डू वन थिंग यू कंसिडर दैट द रेडिय रिंग इज आर द रेडिय रिंग इज आर कैपिटल आर ओके

थर्ड स्मॉल एलिमेंट स्टूडेंट इट्स मास इज ऑल्सो dm एम so, सो हमने क्या कंसिडर किया स्टूडेंट हमने एन नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर दिए ठीक है अब ये जितने भी एलिमेंट्स है कांटाई से वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से एट अ डिस्टेंस कैपिटल आर सिचुएटेड है सो फॉर सिंगल एलिमेंट फॉर सिंगल एलिमेंट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी di bachcho di moment of inertia due to small element di right it will be can i say students r square multiplied by dm yes sir aap yahi bata rahe the sir right mr square ha yes chalega chalega bachcho it is basically mr square yes. so, mass,

सिर्फ मैंने प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया इट्स एम आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स टू एम आर स्क्र आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वाओ स्टूडेंट रिंग आपने कवर किया अब एक अमेजिंग डेरिवेशन हम करेंगे रिंग के बाद नंबर आने वाला है डिस्क बच्चो yes, sir. Okay. So, अब इसके बाद चलिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए बच्चों एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट स्टडी करने के लिए जिसमें हमें डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा एंड मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग मुझे बताएंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बच्चो दैट आपको लैमडा यूज करना है आपको सेगमा यूज करना है दैट आपको रो यूज करना है चलिए पहले हेडिंग डाल देते हैं फिर बात करते हैं बच्चों ये लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू

Axis of rotation should be passing through its center and perpendicular to its plane. Okay, so students, I hope you understand this right properly. So, this is a disk actually. This is that disk, guys. I think we can use yellow for this for better visibility. Yes, looks better. Let me show you its axis of rotation. Central it is, guys. Central, okay. Axis of rotation should be passing through center and perpendicular to its plane.

डिस्क तो पूरा सॉलिड है बेटा so, ना बच्चों, जो एंड तक का डिस्टेंस है, that is capital R. And obviously, यही capital R को मैं इसीलिए रेडियस ऑफ द डिस्क बोल रहा हूँ रेडियस ऑफ द डिस्क इज कैपिटल रिपीट गाइस रेडियस ऑफ द डिस्क इज कैपिटला नाउ व्हाट वी बच्चों, हमें एक यहाँ पे एलिमेंटल रिंग कंसीडर करना होगा चेक करिए आप आराम से ये लीजिए बच्चों हमें यहाँ पर एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करना है यस डू इट मी प्लीज बच्चों ये लुक्स नाइस कैन बी मोर एक्यूरेट लिटिल परफेक्ट बच्चों सो हमने ये डिस्क के ऊपर ही ना बच्चों एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर किया है ना व्हाट वी हैव टू डू इज़ ये जो एलिमेंटल रिंग है बच्चों मैं इसकी बात कर रहा हूं इसका थिकनेस इज वेरी स्मॉल एलिमेंटल रिंग इट इज सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ स्टूडेंट्स इट्स थिकनेस शुड बी डिनोटेड बाय डी आर बच्चो ये सो डी आर इज द थिकनेस

अच्छा स्टूडेंट्स ये समझा आपको टीचर ने सिग्मा क्यों यूज किया यस yes, एक्चुअली yes. मैं आप लोगों के पास आंसर पूछने वाला था बट मैं वो फ्लो में था तो मैंने बता दिया ओके okay? बच्चों सिग्मा मैंने इसलिए यूज किया इन केस कोई नहीं फॉलो कर पा रहा है चांस तो बच्चा लोग चेक करिए दिस इज अ टू डाइमेंशनल बॉडी डिस्क इज अ टू डायमेंशनल बॉडी सो वी हैव टू यूज सिग्मा यानी सरफेस डेंसिटी

now next step is students we will focus on ring for the ring hum pehle area likh sakte hai bachcho area for the ring can i say for that elemental ring jo axis of rotation se distance hai wo small r hai so small r is nothing but radius of that elemental ring right so area of that ring will be area of circle which is nothing but pi r square beta

Yes, yes, so yes, yes, तो सर एक और बार बताइए प्लीज मुझे प्लीज रिपीट uh, sir, रिंग का सिर्फ है ना सो हाउ एरिया ओके आई कॉट योर डाउट देखो बेटा मैं जो एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ ना मैं आपको डायग्राम में ना मैं आपको डायग्राम में शेड करके दिखाता हूँ ठीक है जस्ट गिव मी वन मिनट प्लीज आई थिंक रेड दिखेगा आपको बेटा बेटा मैं ये कर रहा हूँ ये देखिए ये जो रिंग है ना रिंग ये वाला एरिया बच्चा ओके okay. okay, okay. yes, yes. मतलब ऑफ द रिंग रिंग का थिकनेस इज डी आर बेटा सो स्टूडेंट्स रिंग के लिए आप एरिया फाइंड आउट कर चुके ए विल बी फाइव टाइम्स ऑफ स्मॉल आर का स्क्वायर वी आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग द सेम बट इन डिफरेंशियल फॉर्म So, DA हमने लिखा पाई टू आर डी आर यू कैन जस्ट मेक इट इन प्रॉपर फॉर्म स्टूडेंट डी ए एरिया ऑफ द रिंग डी ए स्टूडेंट बी आर टाइम्स ऑफ डी आर यू कैन कंसिडर आई थिंक दिस हेज इक्वेशन नंबर टू बच्चो अब इसके बाद वॉट वी कैन डू इज वी कैन थिंक अबाउट सिग्मा अगेन बट दिस टाइम आई नीड इन टर्म्स ऑफ डीएम बच्चो सो अगेन फॉर द रिंग टू डू स्टूडेंट फॉर द रिंग हम एलिमेंटल फॉर द स्मॉल एलिमेंट स्टूडेंट स्मॉल टू सिज द स्मॉल एरिया

रिंग के लिए स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेयर दिया बच्चो सो नेक्स्ट स्टेप शुड बी वी आर फोकसिंग ऑन रिंग अगेन रिंग अगेन देखो बेटा मैं हर एक में बराबर लिख रहा हूँ so no कब लेना है डिस्क के लिए, डिस्क के लिए, आपने फर्स्ट स्टेप में देखा सिग्मा लिखा उसके बाद आप एन नंबर ऑफ टाइम्स रिंग के लिए ही तो सॉल्व किए जा रहे हो अभी आप क्या करिए आपको जो स्मॉल एलिमेंटल रिंग है ना उसके लिए आप मोमेंट ऑफ इनर शेयर डिटरमाइन करिए

डी आई रिंग के लिए जो आपको एलिमेंटल रिंग के लिए स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्जा मिला ना बेटा डी आई दू डी हमने काम कर लिया है आपसे कहा था हमने एक सिंगल एलिमेंटल रिंग ड्रॉ किया कांटा से लाइक दिस This entire disk, जिसके लिए हम derivation करने में इंटरेस्टेड है इज एक्चुअली कंप्राइजिंग ऑफ दिज एन नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंटलुलेट किया है स्टूडेंट डी आई जो हमने कैलक्यूलेट किया है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे सो so हमें एंटायर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा राइट right?

तो यहां से होते हुए आपको एंड तक जाना है ना बेटा सो बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट यू हैव टू कंसीडर इज नथिंग बट रेडियस रेडियस बच्चों ऑफ द डिस्क व्हिच इज कैपिटल आर आई रिपीट स्मॉल आर नहीं चलेगा गलत हो जाएगा बेटा इट शुड बी कैपिटल आर सो नाउ फॉर द एंटायर डिस्क स्टूडेंट्स आई कैन से लाइक दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी इंटीग्रेशन I, I, I है, है जीरो जो इक्वेशन टू आपने जस्टिफिकेशन में लिखा ना बेटा जो फॉर्मुला आपको मिला आप उसको इक्वेशन थ्री ले लीजिए ओके देन नेक्स्ट स्टेप में आपने रिंग के लिए डी आई डिटरम किया डीएम इन टू आर स्क्वाज इक्वेशन फोर

सो so, पर आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं वी हैव यूज इक्वेशन फोर सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर बच्चों अब मुझे डी एम को एलिमिनेट करना है फ्रॉम राइट हैंड साइड सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू आर राइट आर स्क्वायर डी एम वट इज डी एम स्टूडेंट्स प्लीज यूज यस सर परफेक्ट स्टूडेंट्स प्लीज यूज इक्वेशन नंबर थ्री ट है yes. so, right? okay. so, उसे आप बाहर ले सकते हैं ओके एन एक सिंपल सा स्टेप किया जा सकता है

सिग्मा कांस्टेंट ऑलरेडी इट इट आउटसाइड बच्चों लोअर लिमिट फॉर स्मॉल आर इज जीरो अपर लिमिट फॉर स्मॉल आर इज कैपिटल आर स्टूडेंट्स बिकॉज रेडियस ऑफ द डिस्क इज कैपिटल आर सो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी 2. 2 2 चलिए अभी आप

आपको जरूरत है एंड देविंग सो दट एकदम स्मूथ फ्लो में पाएंगे वाइल डिराइविंग दैट एक्सप्रेशन स्टूडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट पैरल एक्सिस थियोरम सो स्टूडेंट्स यू डू वन थिंग आप है ना एक रिजिड बॉडी कंसीडर करिए एंड इन योर नोटबुक बच्चों आप हेडिंग डाल सकते हो दैट दिस इज लाइक अ नोट ऑन सेंटर ऑफ मास ओके सो दिस इज अ नोट ऑन सेंटर ऑफ मास सी एम सो वी आर डूइंग वन थिंग नाउ स्टूडेंट्स हमने एक रिजिड बॉडी कंसीडर किया है

वर्टिकल एक्सिस एज वाई एक्सिस सो स्टूडेंट दिसंट ओवर स्टूडेंट मैंने ये जो रेजिड बॉडी yes. है ना उसका सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगा ओके उस सेंटर ऑफ मास पे ही मैंने origin consider Kia students are you following this so over here origin that is like zero comma zero for us is the cm center of mass pacho origin is the center of mass this point is important for you students if i ask you to solve for separately एक्स कॉर्डिनेट एंड वाई कोडिनेट फॉर सेंटर ऑफ मास कैसे कर सकते हो बच्चो आप एक्स कॉर्डिनेट सेंटर के लिए जो एक्स कॉर्डिनेट है प्लस सेम वे फॉर सेकेंड पार्टिकल मासिनेट फॉर द सेकेंड पार्टिकल इज एक्स टू बच्चो same way for third particle we have m3 x3 fourth particle m4 x4 and so on so many crowd dot a dot a dot a dot a the whole upon students we are going to use total mass of the body which is nothing but m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5 plus dot a dot a dot a dot a now students similarly we can determine

डॉटे डॉट ए डॉटेड द होल अपॉन द होल अपॉन स्टूडेंट वी आर कंसिडरिंग बट एम वन प्लस एम थ्री प्लस डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए अब देखिए ना बच्चों जैसा कि हम लोग नोट कर सकते हैं टीचर ने जो सेंटर ऑफ मास है वही पे ओरिजिन कंसिडर किया हुआ है रही?

अगर आपको एक्स या वाई कोडिनेट इस तरीके से डिस्क्राइब नहीं करना है जैसा लास्ट फ्यू मिनिट्स में हमने आपको बताया न थिंक अबाउट जनरल एक्सप्रेशन आप एक्स मत लीजिए आप वाई मत लीजिए आप आर ले लीजिए स्टूडेंट सो इन जनरल हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास काली आर सी एम ना बेटा आर सी एम इन जनरल वी आर कंसिडरिंग आर सो सेंटर ऑफ मास का कौन सा कॉर्डिनेट आर जनरल फॉर्मुला दिस इज स्टूडेंट इट विल बी लुकिंग लाइक एम वन आर वन this is for first particle m1 mass of first particle r1 so r coordinate for the first particle plus for second particle you can do m2 r2 plus for third particle you can do m3 r3 plus dot a dot a dot a dot a, the whole upon students we are going to use total mass of the rigid body which is m1 प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर प्लस डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट एज फाइन स्टूडेंट हमें करना था हमने किया ओके बट वॉट इफ आई टेल यू स्टूडेंट ए रिजेन ओरिजेन इज देंटर ऑफ मास इन दैट के स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास का जो आर कॉर्डिनेट है वो तो जीरो होगा

ंग यू जीरो राइट मतलब एम वन आर वन प्लस बच्चो ये क्लियर हुआ स्टूडेंट इफ द आंसर इज यस सो वी कैन मूव अड ये बच्चो

सबके लिए हमने ऐसा मल्टीप्लीकेशन किया फॉर एवरी पार्टिकल मास इंटू उसका आर वाला कोऑर्डिनेट सब हमने इंडिविजुअली किय, किय, सॉल्व किया मल्टीप्लाई किया सबका हमने समेशन डिटरमाइन किया स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों रिसेंटली हमने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स इफ ओरिजिन राइट इफ ओरिजिन इज एट सेंटर ऑफ मास आई थिंक नाउ हम लोग कंक्लूजन के तरफ बढ़ रहे बच्चों ये वो कंक्लूजन के तरफ हम बढ़ रहे जो हम इफेक्टिव तरीके से हमारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यूज करेंगे mass, हम ऐसा कह सकते हैं आर कॉर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो हम लिख सकते हैं एम वन आर वन है ना बच्चों सॉल्व करके हमने आपको दिखाया प्लस

इम्पोर्टेंट मार्क कर देता हूं इफ ओरिजिन इज एट देंटर ऑफ मास बच्चो ये हमने इलेवेंथ स्टैंडर्ड में हमारे लॉज ऑफ मोशन में स्टडी किया हुआ था बच्चों समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस विल बी जीरो प्रोवाइडेड ओरिजिन इज एट देंटर ऑफ मास अच्छा अब इसको ना स्टूडेंट्स हम लोग एक डेफिनेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको डेफिनेशन के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखो बेटा लेट्स से लेट्स से स्टूडेंट्स यू आर इंटरेस्टेड इन डिफाइनिंग दिस ओके सो सेंटर ऑफ मास यस वी कैन डू वन थिंग हम साथ में लिख सकते हैं इसको बच्चों सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन राइट इज अ पॉइंट सेंटर ऑफ मास बच्चों Is a point about which the summation of moments of masses in the system. is equals to zero this is the definition for center of mass right center of mass is actually a point which about which the summation of moments of masses which summation of moments of masses summation of mi ri from i is equals to one up to i is equals to n

प्लीज टेक दिस पॉइंट वेरी सीरियसली बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि हम लोग स्टूडेंट्स पैरल एक्सिस थेरम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करें टू प्रूव इट राइट और आप बीच में इस बेसिक पॉइंट के वजह से फंस जाओ बच्चों ओके सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड बच्चों Now, students, you can put the heading as parallel axis theorem. So we are students thinking about parallel axis theorem. But जो आज हम पूरा proof नहीं कर रहे हैं, हम उसका concept समझ लेते हैं, ठीक है? आज हम पूरा proof नहीं कर रहे हैं. Let me repeat that. so students what we are going to do is we are considering a rigid body bachcho acha pehle to ek kaam karte na bachcho what is the use of this parallel axis theorem okay so ha ji bachcho ye dekhiye हमने आपको पता है एक वो rod वाला derivation करवाया था बेटा याद करिए lambda का concept use करके करवाया था ना students axis of rotation जो लेस ऑफ रोटेशन स्टूडेंट इल एंटायर लेंथ ऑफ द रॉड ओकेर मास आई एम कंसिडरिंग एम तो बच्चो आपको याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा बच्चो ये वन कैन ट्राई दिस आई बच्चो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्ट फाइन बच्चो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चो ना वट कैन डू इज वट कैन डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप को रिवर्स कर देते हैं ठीक है थोड़ा सा कहा मैंने बच्चों थोड़ा सा

उसके अलोंग भी तो रॉड अपना रोटेट कर सकता था आई विल कंसिडर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज बच्चो आई सी सी फॉर सेंटर बेटा सो विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट इन अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर राइट एंड पासिंग थ्रू सेंटर सेंटर ऑफ मास बच्चो मतलब मैं जैसा मैंने आपसे कहा स्टूडेंट्स मैं एग्जैक्टली exactly इसका रिवर्स जाना चाहूंगा लेट्स से हमारे पास सेंट्रल पोजीशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज आईसी ओके एंड व्हाट वी हैव टू डू ए स्टूडेंट्स हमें ये आईसी का यूज करके आईसी का यूज करके हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ द एंड ढूंढना है लेट्स से इफ द न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इट ब्लैक वाला बच्चों ये जो ब्लैक वाला तुम देख रहे हो ना ये नया वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ओके सो लेट्स से स्टूडेंट्स

एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस है ना बेटा दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ द एंटायर लेंथ गाइस नथिंग बट एल बाई टू चेक करो बच्चों टोटल लेंथ ऑफ द रॉड यू आर कंसीडरिंग एल राइट सो इट्स हाफ लेंथ शुड बी एल बाय टू इट्स हाफ लेंथ शुड बी ऑब्वियसली एल बाय टू सो स्टूडेंट्स एज पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम एज पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपके पास आईसी का फॉर्मूला होगा

आपके पास ऑलरेडी आई सी है राइट सो बेसिकली वॉट यू आर डूइंग इज यू आर शिफ्टिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन डूंगल टू द अर्लियर वन बच्चों आई कैन कंसिडर दैट दैट रेड वाला एज सेंट्रल पोजिशन वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड वॉट अबाउट ब्लैक वाला बच्चो ब्लैक वाला अबाउट वन ऑफ दाइट सो स्टूडेंट्स आईसी बी नो सेंट्रल एक्सिस आईसी ओके प्लस स्टूडेंट मासनो के बीचों पैरल एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस है हाउ मच इट इज एल बाई टू बच्चो एल बाई टू राइट सो इन जनरल बच्चो हम एल बाई टू नहीं ले सकते ना हमें एच लेना पड़ेगा बच्चो एच सो इन दिस पर्टिकुलर स्पेशल केस

डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरल एक्सेस रेड वाला ब्लैक वाला आपको करना है स्क्वांग यू आई सी प्लस एम एच स्क्मेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सेस आईसी वट इज एम एच स्क्र मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन मास इंटू एच का स्क्वायर एच इज एक्सिस है ना सेंट्रल वाला और ये एंड वाला उनके बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर करना है राइट uh, एंड रोटेशन के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बच्चों आपको समझाइए पैरेलल एक्सिस थे रहा यस yes. देखो बेटा एक्चुअल प्रूफ हम सही टाइम आने पे करेंगे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है डोंट वरी अबाउट दैट बट आप पहले इसका बेसिक अप्रोच तो समझिए आपने एन नंबर ऑफ टाइम सुना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम काफी इम्पोर्टेंट है है ना ऐसा क्यों बच्चों उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा यूजली वट वी डू हमारे पास आई सी होता है ओके यूजली एंड आई सी का यूज करके ना बेटा हम लोग आई नॉट डिटरमाइन करते हैं बट यहाँ पे हम सब जानते हैं बेटा फॉर रॉड फॉर रॉड बच्चो I I पता नहीं अब तक हमने डेरिवेशन किया नहीं बट वॉट अबाउट आई नॉट बच्चो आई नॉट मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रॉड अबाउट एन एक्सेस अलोंग वन ऑफ द एंड बच्चों So को आप आई एंड लिख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए बच्चों आप फॉर्मूला बता रहे हो कि मैं बताऊ एमएल स्क्वायर बाय बच्चो एम एल स्क्स ए स्टूडेंट जो जनरल फॉर्मूला में एच है क्या आप मुझे डायग्राम देखकर बता सकते हैं दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच डिस्टेंस एच है

तो हम एंड वाला यूज करके सेंट्रल वाला कैलकुलेट कर लेंगे इसी बहाने आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा बच्चों ये देखिए I not will be I end which is nothing but ml square by three बच्चों is equals to I c moment of inertia about central axis आप नहीं जानते plus MH square mass of the body m into h का square which is l by two the whole square students

इफ आपके पास सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा यू कैन शिफ्ट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन बट पैरल शिफ्ट करना है एज द नेम सजेस्ट एक्सिस शिफ्ट करना है तो आप नए वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन कर सकते हो सेम वे यू कैन डू द रिवर्स ऑफ इट बच्चों अगर आपके पास किसी और पोजीशन के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है ओके okay, मुझे कहना चाहिए किसी और एक्सिस ऑफ रोटेशन के पोजीशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यू कैन शिफ्ट इट पैरेलल टू एंड आप सेंट्रल एक्सिस ऑफ़ रोटेशन ड्रॉ कर सके तो आपको वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिल जाएगा बट यूजुअली व्हाट वी डू बेटा हमारे पास आई होता है स्टेप देखिए ना आई होता है यूजिंग आई हम लोग आई नॉट डिटरमाइन करते हैं सो so ये मुझे आपको

हम यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स आई होप यू एंजॉय द सेशन बाय बाय सर थैंक यू